गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास फिफ्थ, एक्सरसाइज 4.4. इसमें देखिए, सेट द फिगर टू रिप्रेजेंट द इंडिकेट फ्रैक्शन. 2 × 1/4. तो देखिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी यहाँ आएगा 1/2. तो ये सही है. देखिए, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी 3/4 आ जाएगा. इसी तरीके से फिल इन द बॉक्स, इस बॉक्स को फिल करना है. तो देखिए, यहाँ तो 3 ही रहेगा, 7 और इंटू 2, तो 7 × 2 = 14, 14/3 ये आ जाएगा. इसी तरीके से देखिए, 3 × 5 है, तो 3 × 5 कर देंगे. नीचे डिनोमिनेटर में 7 है, 3 × 5 = 15/7. इसी तरीके से ई नंबर देखिए, बाकी का खुद से करिएगा. 4 × 3, 9 × 5, 4 × 3 = 12, 9 × 5 = 45. इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड मल्टीप्लाई करना है 4 × 5/17. तो हम क्या करेंगे, 4 × 5/17, 4 × 5 = 20/17. इसी तरीके से डी नंबर देखिए, 25 × 1/5, तो 5 × 5 = 25. तो ऊपर क्या बचा, 5 × 1, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर आ गया 5. इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन देखिए. जी नंबर, ये ए नंबर था, जी नंबर 13 × 4³/7. तो देखिए, इसका क्या करेंगे, 13 को 13 ही रहेंगे देंगे, 4 × 7 = 28 और 3 = 31/7. तो देखिए, 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 13 × 31/7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 403 आएगा / 7. इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 2/3 × 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, यानी 1/2 आ गया. इसी तरीके से देखिए डी नंबर देखिए, 3/5 × 12/15, 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 × 4 = 3, 5 = 15, तो 4 × 3 = कितना आ जाएगा, 12, और 5 × 5 = 25, ये आंसर होगा. 4 × 3/4 × 1/7/57 आई नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, और 3 × 19/4, 57 × 57, और 7 × 64 = 57, और ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 16 =, तो ये 19 × 3 =, तो 16/3 आ जाएगा आंसर. इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन करिएगा. नेक्स्ट देखिए, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/17, उसका उल्टा 121 का 1/121, 5/6 का उल्टा हो जाएगा 6/5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये इसका. इसी तरीके से लिखिएगा, जैसे इसका है देखिए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है 1/4/9, तो 9 × 1 = 9, और 4 × 13 = 9 हो गया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव
इन्वर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 9/13, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से फिल इन द बॉक्स, देखिए ये क्या है, 9/4 करेंगे, मल्टीप्लाई में 1/3 करेंगे। यहाँ देखिए डिवाइड है तो डिवाइड को 1/1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3/4 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का, जैसे ये है 8 × 4/7 है, तो 7/4 कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 14 आंसर। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये है तो 11/12 को वैसे ही रखेंगे, इसको पलट देंगे, 40/33, 11 3 जा 33, अब 4 3 जा 12, 4 10 जा 10/9 आ जाएगा, 3 3 जा 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 4/5 / 8, तो देखिए 4/5 × 1/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/10 ये हो जाएगा ए नंबर। इसी तरीके से एफ नंबर देखिए, 4 whole 1/2 / 2, 4 2 जा 8 और 1 9/2 / 1/2 हो जाएगा, तो 9/4 आ जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 8/15 / 4/3, तो इसको देखिए क्या करेंगे, 8/15 को वही रखेंगे और इसको पलट देंगे, 3/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2/5 आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से डी नंबर देखिए, 26/35 / 13/15, तो ये क्या हो जाएगा, 26/35 × 15/13, 13 2 जा 5, 3 जा 15, 5 7 जा, तो 3 2 जा 6/7 आ जाएगा। एच नंबर देखिए, 7 whole 4/8 / 3 whole 1/4, तो देखिए 8 7 जा 56, 56 और 4 60, 8 / 3 4 जा 12 और 1 13/4, तो ये क्या हो जाएगा, 60/8 × 4/13, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 30/13, 30/13 ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 लीटर ऑफ ऑयल कास्ट, 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 50 रुपी, 50 whole 4/5 रुपीज, तो 55 जा 250 और ये 4 254 अपान 5 रुपीज, और व्हाट इज द कास्ट ऑफ 20, तो 25 लीटर का आप कॉस्ट बताइए, तो 25 × 254/5, 5 5 जा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 2 27 और ये 5 2 जा 10 और 2 12, इतना रुपीज आएगा। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ई में क्या है, इन पार्टी ओनली 5/6 ऑफ द केक वॉज लेफ्ट फॉर अंजलि एंड आई सी, अंजलि एट 1/5 ऑफ इट एंड द
रेस्ट वॉज ईटन बाई आयुसी, वॉट फ्रैक्शन डिड आयुसी ईट? देखिए, 5/6 क्या है, लेफ्ट है केक, लेफ्ट केक है ये, बचा हुआ केक है। और अंजलि उसमें से, अंजलि कितना खाती है? 5/6 का 1/5 खाती है, 1/5 निकाल दीजिए, यानी 1/6 तो उसका वो खा गई। तो आयुषी कितना खाएगी? आयुषी जो खाएगी 5/6 में से 1/6, तो 4/6 खाएगी, ये आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर के, 1 होल 3/5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्रॉन, हाउ मेनी एप्रॉन्स कैन बी मेड फ्रॉम द? देखिए, 1 क्लॉथ बनाने में कितना लगेगा? 1 होल 3/5 मीटर्स, तो 5 × 5 = 3, 8/5 हो गया मीटर। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड, कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा? 12 होल 12/15, ये आ जाएगा 190, 15 12 जा, और ये 12, ये आ जाएगा 192/15, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना? 5/8। देखिए, डिवाइड करेंगे, डिवाइड जब करेंगे तो ये 192/15, ये मल्टीप्लाइड बाई 8/5 था ये, देखिए 5/8 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, 5 × 3 = 15, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, टोटल आ जाएगा 8। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।